आज का टॉपिक है हमारा स्टैटिक लोकल वेरिएबल। अब ये लास्ट टाइम हमने पढ़ लिए थे ये वाले टॉपिक जो थे लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, द सेम नेम। और अब ये स्टैटिक क्या होता है, लोकल वेरिएबल, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि इन दिस फंक्शन कॉल्ड मोर देन वंस अ प्रोग्राम, कह रहा है इस फंक्शन में प्रोग्राम जो है मोर देन वंस अ प्रोग्राम, इफ़ अ फंक्शन एक से ज़्यादा बार किसी फंक्शन को किसी प्रोग्राम में कॉल किया जाए, द वैल्यू स्टोर्ड इन फंक्शंस, तो जो वैल्यू फंक्शन में स्टोर्ड होती है लोकल वेरिएबल में डू नॉट परसिस्ट बिटवीन फंक्शन कॉल्स, दिस इज़ बिकॉज द लोकल वेरिएबल्स आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द फंक्शन टर्मिनेट्स एंड आर देन रिक्रिएटेड व्हेन द फंक्शन स्टार्ट्स अगेन। ठीक है, अभी इसने एक लॉजिकल बात बताई है कि अगर एक प्रोग्राम में फंक्शन को बार बार कॉल किया जा रहा है और बार बार कॉल करने पे हो ही रहा है कि जो उसका लोकल वेरिएबल होता है उसमें वैल्यू स्टोर नहीं रहती है, तो जितनी बार फंक्शन चलता है जब तक वो फंक्शन चल रहा होता है उसकी वैल्यू उसमें होती है, और जब फंक्शन रुक जाता है तो फंक्शन उस वेरिएबल जो है वो अपना लोकल वेरिएबल अपनी वैल्यू को लॉस्ट कर देता है, और फिर जब दोबारा से फंक्शन को कॉल करता है तो रिक्रिएट होता है वेरिएबल और वो पिछली वैल्यू को छोड़ देता है। तो इस को आपको समझाने की कोशिश की गई है इस प्रोग्राम के ज़रिए, क्या कह रहा है, दिस प्रोग्राम शोज द लोकल वेरिएबल डू नॉट रिटेन देयर वैल्यूज़ बिटवीन फंक्शन कॉल्स। अच्छा, अब कैसे डू नॉट रिटेन करता है, समझते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करके, इसने प्रोग्राम को शुरू किया है और यहाँ पर जाके यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिखा है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप में वॉइड शो लोकल के नाम से एक फंक्शन बनाया है जो जस्ट एक फंक्शन है, ना रिटर्न कर रहा है ना पास कर रहा है किसी वैल्यू को, और फिर मेन के अंदर जाके इस फंक्शन को कॉल किया गया है एंड वंस अगेन इस फंक्शन को दूसरी बार कॉल किया गया है। अब इस फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो क्या है यहाँ पे पता चलेगी हमें। तो यहाँ पे बताया इस फंक्शन की डेफिनेशन है कि इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है लोकल नम के नाम से जिसकी वैल्यू 5 है, और सी आउट करके लोकल नम की वैल्यू को दिखाया गया है जो कि 5 ही शो करेगा, और बाद में उस लोकल नम की वैल्यू को अपडेट करके 99 कर दिया गया है। मतलब फर्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल होगा तो वो वैल्यू असाइन होगी 5 लोकल नम में। ये एक लोकल वेरिएबल है जो इस फंक्शन में डिफाइन किया गया है, इसका एक्सेस मेन फंक्शन में नहीं है, और उसकी वैल्यू को दिखाया जाएगा जो कि यहाँ पर क्या शो होगा, लोकल नम कॉन्स्टेंट इज, और यहाँ पर लोकल नम की वैल्यू शो हो जाएगी जो कि 5 होगी। फिर यहाँ पर लोकल नम की वैल्यू अपडेट हो जाती है 99 पर ये फंक्शन तो काम छोड़ देगा, लेकिन सेकेंड टाइम जब ये फंक्शन फिर परफॉर्म होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, वही 5 आएगा, और वही यहाँ पे 5 और यहाँ 99 आना चाहिए। जबकि होना ये चाहिए कि जब एक दफ़ा वेरिएबल अपडेट हो गया था तो दूसरी दफ़ा जब फंक्शन यहाँ कॉल किया गया सेकेंड टाइम तो 99 में 5 प्लस होना चाहिए था, जबकि आउटपुट में ऐसा नहीं होगा, और ये आउटपुट में दिखाया गया दो दफ़ा फंक्शन कॉल हुआ तो दोनों दफ़ा उसका आउटपुट 5 आया। इसी तरह इसने इस एग्जांपल को, अपनी बात को, अपनी इस दलील को इसने परफेक्ट किया है कि जो भी फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो अपनी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पाते, जब सेकेंड टाइम वो फंक्शन कॉल होता है तो वो दोबारा से रिक्रिएट होते हैं और रिक्रिएट होकर दोबारा से उसी प्रोसेस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो मतलब हर दफ़ा वो वेरिएबल क्रिएट, ये एक दफ़ा हम फंक्शन कॉल करेंगे तो पहली दफ़ा वो वेरिएबल क्रिएट होगा, जब दूसरी दफ़ा फंक्शन कॉल करेंगे तो दोबारा से वो वेरिएबल क्रिएट होगा। इस तरह वो अपने अंदर मेमोरी में वेरिएबल अपने अंदर उस वैल्यू को सेव नहीं कर सकेगा। यानी कि अगर मैं ऐसे चाह रहा हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जब ये फंक्शन चला तो इसकी वैल्यू जो 5 से 99 हो गई थी, तो सेकंड टाइम जब कॉल करें तो 99 होना चाहिए था और 99 को फिर से यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि जब फंक्शन दोबारा कॉल हुआ तो दोबारा से वेरिएबल बनेगा, दोबारा से उसका आउटपुट आएगा और दोबारा वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो इस मसले को सॉल्यूशन अब आपको देगा इवन लाइन 28 लास्ट स्टेटमेंट शो लोकल फंक्शन, यही समझा रहा है कि जबकि उसमें वैल्यू 99 कर दी गई थी फिर भी वो वैल्यू डिस्ट्रॉयड हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब फंक्शन दोबारा चला तो दोबारा फंक्शन वेरिएबल क्रिएट हुआ और इस तरह से कर लिया इसने। ठीक है, अब कह रहा है स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स आर नॉट डिस्ट्रॉयड व्हेन फंक्शन रिटर्न्स। अब इसका सोल्यूशन हमें दे दिया कि अगर आप उसकी वैल्यू को आप सेव करवाना चाहते हैं कि सेकेंड टाइम जब फंक्शन चले तो वो वैल्यू डिस्ट्रॉय ना हो बल्कि उसको दोबारा से रीगेन कर ले, दोबारा से उसके साथ कंटिन्यू रखे, तो उसके लिए आपको स्टैटिक लोकल वेरिएबल का इस्तेमाल करना होगा। याद रखें स्टैटिक लोकल वेरिएबल बार बार फंक्शन कॉल करने पे अपनी वैल्यू को लॉस नहीं करता है, यही इसका मेन मोटिव है। ठीक है, तो दिस दे एग्जिस्ट फॉर द लाइफ टाइम ऑफ द प्रोग्राम इवन द देयर स्कोप इज़ ओनली द फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड। हालांकि ये लोकल वेरिएबल की, इनका स्कोप लेवल लोकल वेरिएबल की तरह ही होता है, मतलब ये जिस फंक्शन में क्रिएट होंगे उसी फंक्शन में एक्सेस किए जा सकते हैं,
बाहर किसी दूसरे फंक्शन में एक्सेस नहीं किया जा सकते, लेकिन ये अपनी वैल्यू को लॉस नहीं करते। तो देखें इस एग्जांपल को हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। सेम प्रोग्राम है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, वही एक फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग की गई है और यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट किया गया। यहाँ पे एक लूप चलाया गया है, इंटीजर काउंट इज इक्वल टू जीरो लेस देन फाइव और काउंट रियल। लूप 5 दफ़ा चलेगा तो 5 दफ़ा इस फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। तो 5 दफ़ा ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ जाके देखते हैं। इस फंक्शन की डेफिनेशन है void static, show static में लिखा गया static integer state num। तो यहाँ पर एक और फंक्शन यूज़ करना है, कीवर्ड हमें स्टैटिक, यानी कि अगर मैं खाली इंटीजर स्टेट नम लिखता तो क्या होता है, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट होता है इंटीजर टाइप का, लेकिन चूंकि मैंने स्टैटिक लिखा है तो ये स्टैटिक होगा और ये लोकल वेरिएबल होगा जो इसी फंक्शन में कॉल किया जाएगा। और अब इस पर मैंने क्या किया है, डिक्लेयर करने के बाद सी आउट करके यहाँ पर इसकी वैल्यू को आउट को लिया गया है। कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है, तो इसका आउटपुट भी फर्स्ट टाइम में तो कुछ नहीं आना, लेकिन मैंने जैसे स्टैट नम लिख दिया है प्लस प्लस, तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसके साथ लगाया है। जितनी बार फंक्शन कॉल होगा इसमें एक प्लस होता जाएगा। सपोज करते हैं अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो वन, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर, फोर से फाइव, और ये फाइव टाइम अगर लूप चलेगा तो यहाँ पर यह आउटपुट भी फाइव टाइम ही अपनी वैल्यू को अपडेट करके देता है। देखिए आउटपुट में देखिए यही आ रहा है, फर्स्ट टाइम में इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, सेकंड टाइम में इसकी वैल्यू वन आ रही है, थर्ड टाइम में इसकी वैल्यू टू आ रही है, फोर्थ टाइम में इसकी वैल्यू थ्री आ रही है, फिफ्थ टाइम में इसकी वैल्यू फोर आ रही है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि अगर आप स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करेंगे तो स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक लोकल वेरिएबल अपनी वैल्यू को बार बार फंक्शन कॉल करने में लॉस नहीं करते, बल्कि उसको अपडेट करने की सलाहियत रखते हैं, जबकि लोकल वेरिएबल जो फंक्शन में बार बार कॉल करने पर रिक्रिएट होते हैं और अपनी वैल्यू को बरकरार नहीं रखते। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ गई सबको, टेक्स्ट मैसेज में बता दें। तो अगली हम एग्जांपल पर चलें, ठीक है। तो अभी कह रहा है इफ़ यू डू प्राइवेटाइजेशन फॉर वैल्यू स्टैटिक लोअर वैल्यू द इनिशियलाइजेशन ओनली वंस अकर, दिस इज बिकॉज द इनिशियलाइजेशन नॉर्मली हैपेंस, ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं, दूसरा प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखें इसने क्या किया है, वॉइड स्टैटिक करके फिर से एक फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग की है और यहाँ जाके फिर इसने कॉल किया है, फाइव टाइम लूप चलाया है और फाइव टाइम इस फंक्शन को कॉल किया है और इसके अंदर इनिशियलाइजेशन की स्टैटिक नम इज इक्वल टू फाइव। अब यहाँ पर इसने एक मसला दूसरा डिफाइन किया कि अगर इनिशियलाइजेशन कर दी जाए तो क्या वो अपडेट करेगा या नहीं करेगा। तो इसी बात को इसने यहाँ पे कहा है, इफ़ यू डू प्रोवाइड अ इनिशियलाइजेशन वैल्यू फॉर स्टैटिक लोकल वेरिएबल द इनिशियलाइजेशन ओनली अकर्स वंस, दिस इज़ द परफेक्ट स्टेटमेंट डेट विल लेट यू कि इनिशियलाइजेशन बार बार होगी या एक दफ़ा होगी। तो इसने कहा कि पिछले प्रोग्राम में तो आपने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करवाया था, ये देखिए इस वाले प्रोग्राम में हमने यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कराया था, सिर्फ डिक्लेयर किया था, लेकिन यहाँ पे इस फंक्शन में अगर हमने डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी कराई और उसमें शुरू से एक वैल्यू दे दी है, तो क्या बार बार फंक्शन कॉल करने पे इनिशियलाइजेशन दोबारा होगी या एक बार होगी। तो इसका जवाब ये है, स्टैटिक लोकल वेरिएबल में इनिशियलाइजेशन आपने अगर करा दी है, भले बार बार फंक्शन को कॉल करें लेकिन वो इनिशियलाइजेशन एक बार होगी। दिस इज बिकॉज इनिशियलाइजेशन नॉर्मली हैपेंस व्हेन द वेरिएबल इज क्रिएटेड एंड स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स आर ओनली क्रिएटेड वंस ड्यूरिंग द रनिंग ऑफ अ प्रोग्राम। समझ में आ गई बात ये। तो यहाँ पर देखिए इसने इनिशियलाइजेशन करवा दी शुरू में फाइव, और यहाँ पे जब पांच दफ़ा फंक्शन को कॉल किया जाएगा लूप के जरिए तो भी वो अपनी वैल्यू को वैसे ही अपडेट करेगा, क्योंकि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, 5 टू 6, 6 टू 7, 7 टू 8 और 8 टू 9 टू 10 कर देगा। तो यहाँ पर देखिए 5 टाइम जब लूप चलेगा तो ये फंक्शन 5 दफ़ा कॉल होगा और 5 दफ़ा कॉल करने पे अपनी वैल्यू को अपडेट करेगा। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि स्टैटिक लोकल वेरिएबल जो होता है वो एक दफ़ा अगर इनिशलाइज़ करते हैं तो बार बार इनिशलाइज़ नहीं होगा और वो बार बार चलने पर उसी को अपडेट करता जाएगा और अपनी वैल्यू को बरकरार रखेगा। अब इसके की पॉइंट ले लें, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ये आपने खुद से डिफाइन करना है तो मैं वैसे भी बताता हूँ। तो स्टैटिक लोकल वेरिएबल क्या होता है, स्टैटिक लोकल वेरिएबल का स्कोप विद इन अ फंक्शन होता है लेकिन ये अपनी वैल्यू को बरकरार रखता है। ग्लोबल वेरिएबल का स्कोप जहाँ पर ये डिफाइन होता है उसके बाद जितने फंक्शन होते हैं तब में एक्सेस किया जा सकता है और ये भी अपनी वैल्यू को बरकरार रखेगा। What is the output of the following program? अब इस प्रोग्राम का आउटपुट बनाना है और फिर सेंड कर देना है, ठीक है ना। ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ और साथ साथ ये हमारा फिर प्रोग्राम यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा।